नमस्कार, मैं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए 11 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान हुआ, जिसमें 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोट डाले गए और इन्हीं 91 सीटों में शामिल थी बिहार की 4 लोकसभा सीटें, जो थी गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई। गया लोकसभा सीट में एनडीए और महागठबंधन की सीधी सीधी टक्कर हो रही है। यहाँ महागठबंधन की ओर से जीतनराम मांझी, जो कि हिंदू आवाम मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, आमने सामने हैं और वो भी एनडीए के विजय कुमार के। तो वहीं जमुई से केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान मैदान में उतरे हैं। नवादा सीट से एनडीए के चंदन सिंह और महागठबंधन की विभा सिंह भी मैदान में हैं। औरंगाबाद सीट से इस बार बीजेपी के लिए हैट्रिक का मौका हो सकता है, क्योंकि बीते 2 चुनावों से सांसद सुशील कुमार सिंह इस बार भी मैदान में हैं और उनके सामने हैं महागठबंधन के उपेंद्र प्रसाद। अब इन 4 लोकसभा सीटों में क्या कुछ है वोटर्स की संख्या, जातीय समीकरण, भूगोल और राजनीतिक सरगर्मियां, इससे आप हमारी वीडियो के जरिए समझ सकते हैं। गया, जीतन राम मांझी की साख दांव पर। गया लोकसभा सीट का जितना धार्मिक महत्व है, उतना ही सियासी महत्व भी है। साल 1967 से यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और राजनीतिक पंडित इस सीट पर कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं, क्योंकि इस बार इस सीट पर एनडीए और महागठबंधन की सीधी सीधी टक्कर हो रही है। यहाँ महागठबंधन की ओर से जीतन राम मांझी के सामने एनडीए ने विजय कुमार को मैदान में उतारा है। जीतन राम मांझी तीसरी बार यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इससे पहले वे जेडीयू के उम्मीदवार थे और इनके सामने नए नए चुनाव लड़ रहे हैं विजय मांझी। गया में जातिगत समीकरण किसी एक जाति के पक्ष में नहीं है, यहाँ अलग अलग जातियाँ हैं। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हरि मांझी को 3,26,230 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे रामजी मांझी को 21,07,026 वोट मिले। तीसरे नंबर पर जीतन राम मांझी रहे, जो जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। जीतन राम मांझी को 1,31,828 वोट मिले थे। यहां कुल वोटर्स की संख्या है 17,641, जिसमें 8,80,201 पुरुष वोटर्स और 8,20,383 महिला वोटर है। नवादा, एक दूसरे के वोट पर नजर। नवादा लोकसभा क्षेत्र पहले कांग्रेस और फिर सीपीआईएम का गढ़ माना जाता था, लेकिन 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने यहां सेंध लगाई। इस चुनाव में भाजपा के कामेश्वर पासवान ने सीपीआईएम के प्रेमचंद राम को करारी मात दी है। उन्होंने करीब 97,000 वोटों से हराकर नवादा में पहली बार कमल खिलाया। 10 साल से यह सीट भाजपा के खाते में है। यह इलाका भूमिहार बहुल है। सामान्य सीट होने के बाद 2009 में डॉक्टर भोला सिंह ने भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। उनके बाद जीत को निरंतरता देते हुए मोदी लहर में 2014 में गिरिराज सिंह ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 18,92,017 है, जिसमें 9,83,065 पुरुष हैं और 9,08,871 महिला वोटर्स हैं। औरंगाबाद, भाजपा के लिए साख की बात। औरंगाबाद जिले को बिहार का मिनी चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में शुरू से ही राजपूतों का दबदबा रहा है। इस बार इस सीट से जहां एनडीए की तरफ से भाजपा से सुशील सिंह अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन से हम के उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद वर्मा मैदान में हैं। इस सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 13,76,323 है, जिनमें से पुरुष मतदाता 7,38,617 हैं, जबकि महिला मतदाता की बात करें तो 6,37,706 है। वहीं अगर जातीय समीकरण की बात करें तो औरंगाबाद में राजपूतों की संख्या सबसे ज्यादा है। जमुई, रामविलास पासवान के बेटे चिराग मैदान में। नक्सल प्रभावित जमुई लोकसभा क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है। यहां से एलजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र और निर्वर्तमान सांसद चिराग पासवान एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं और उनको टक्कर दे रहे हैं महागठबंधन की ओर से रालोसपा के भूदेव चौधरी। 2014 के लोकसभा चुनावों में चिराग पासवान को 2,85,354 और उनके प्रतिद्वंदी 1,99,407 वोट मिले थे। यहाँ कुल 17,08,396 मतदाता हैं, जिनमें 9,05,492 पुरुष वोटर और जबकि 8,03,740 महिला वोटर्स हैं। यश खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।
अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो से।